टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर वन जी एस सी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स फोर क्लास टेन्थ फोर आई सी एसई फ्रॉम एस्चंस फर्स्ट सम यहां पर बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस का सम है आपके सामने बुक आ गई है तो श्रुति मिस्टर अब्दुल्ला मैन्युफैक्चरर सेल्स प्रोडक्ट वर्थ रुपी टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैन्युफैक्चरर है कितने का सेल किया उसने अपना प्रोडक्ट टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का विद इन द स्टेट विद इन द स्टेट का मतलब श्रुति इंट्रास्टेट यस इंट्रास्टेट बाय गुड्स वर्थ रुपी वन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड उसने कितने का गुड्स परचेज किया था वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का विद इन को प्रोड्यूस करने के लिए बनाने के लिए वन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड का परचेज किया था इतने में सेल किया है इज द रेट ऑफ जीएसटी एट ट्वेल्व परसेंट ऑन द रॉ मेटीरियल मतलब जो मैन्युफैक्चरर था उसने तो ट्वेल्व परसेंट जीएसटी दिया था एंड एटीन परसेंट ऑन द फिनिश प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब जिसको सेल किया था उसने ट्वेंटी एटीन परसेंट जीएसटी दिया फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही पे उसने कितना अमाउंट जीएसटी का पे करना है ये हमने फाइंड करना है ओके दिस इज टू द गवर्नमेंट क्या आएगा गवर्नमेंट का आएगा कि गवर्नमेंट को कितना पे करेगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरर्स कितने में परचेज किया उसने वन लैख ट्वेंटी फाइव सीजीएसटी कितना पे किया एटीन परसेंट मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल परचेज किया के फिनिश्ड प्रोडक्ट परचेज किया बेटा रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल पे कितना है जीएसटी uh, so, और तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा विद इन द स्टेट है ना यस सर सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट ऑफ टू वन वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यस तो सिक्स बाई हंड्रेड इंटू वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टू जीरो ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू सेवेंटी टू हंड्रेड उसके बाद नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कितने में सेल किया टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो सीजीएसटी जी एस क्योंकि सेम स्टेट में है बेटा एस जी एस टी प्रोडक्ट एटीन परसेंट था ना नाइन परसेंट ऑफ टू लैख नाइन बाई हंड्रेड बता टोटल जीएसटी निकाल लो टोटल जीएसटी पेड ऑन रॉ मेटीरियल सर बस जी एस एस टी निकालना उसमें

टोटल जीएसटी ऑन फिनिश्ड प्रोडक्ट यस बच्चे ट्वेंटी थाउजेंड टू फिफ्टी प्लस ट्वेंटी थाउजेंड टू फिफ्टी वेरी गुड एट दीज टू फोर्टी थाउजेंड तो उन्होंने क्या लिखा

0, 0, 5 1, 10 6, 3 26, 100. ये बेटा कैसे कैसे देखो प्रेजेंटेशन है अगर आप सीधा जी जीएसटी निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा वो. अगर आप सीधा ट्वेल्व परसेंट ऑफ वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड निकाल दोगे तो वो भी टू हंड्रेड ही आएगा बट उन्होंने टीचर ने क्या कर देना है क्रॉस मार लेना है

फिनिश प्रोडक्ट पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये आया दोनों को फिर से ऐड कर दिया तो ये टोटल जीएसटी आ गया अब स्टिल हैज टू पे इतना उसने ऑलरेडी पे कर दिया था जब उसने रॉ मटेरियल परचेज किया था इतना उसने रिसीव किया उसमें से जो पे कर चुके हैं वो माइनस कर दिया तो दिस इज आंसर सॉरी सर इसी को तो डर गया था ये कस्टमर ही पे करता ना जीएसटी सर कस्टमर लगा लो या एक बार तो देखो बच्चे जो उसने रॉ मटेरियल परचेस किया उसने भी तो पे किया ना बट जब आगे उसने सेल कर दिया तो अपना जीएसटी रख लेगा तभी तो, 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 तो माइनस किया ना ओके okay, सर अगर जिसने परचेज किया फिनिश प्रोडक्ट वो आगे सेल कर देगा तो उसको भी ये वापस मिल जाएगा अपना एक बार सारे के सारे पे करते हैं होलसेलर भी पे करता है रिटेलर भी पे करता है कस्टमर भी पे करता है जब तक कोई आइटम है कोई चीज है वो होलसेलर के पास पड़ी है सेल नहीं हुई तब तक तो होलसेलर का जीएसटी पे किया हुआ है ना उस पे yes, हाँ sir. जब वो आगे सेल करेगा तभी उसके पास जीएसटी वापस आएगा अंडरस्ट नाउ सारिका द ग्रेट सारिका यस सर और शू मैन्युफैक्चरर शू मैन्युफैक्चरर है परचेज गुड्स वर्थ रुपी नाइनटी कितने में uh, के गुड्स परचेज की उसने ही? 90 मतलब रॉ okay. मटेरियल होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर है ना तो वो फिनिश प्रोडक्ट तो करेगा नहीं रॉ मटेरियल ही लेगा ना वर्थ रुपी नाइनटी फ्रॉम द मार्केट विद इन द स्टेट विद इन द स्टेट बोल दिया

फाइन द जी एस टी पेबल जीएसटी क्रेडिट फॉर द अब ट्रांजेक्शन मतलब फाइन द जी एस टी पेबल स्लैश जीएसटी क्रेडिट फॉर द अब ट्रांजेक्शन ये फाइन करना है तो पहले की तरह हैं? जैसे हमने फर्स्ट सम किया है ना सेम टू सेम हम और सारा कुछ वैसे फाइन करेंगे यहां पर सेकेंड सर्म कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फोर मैनुफैक्चर रुपी नाइन्टी थाउजेंड मैन्युफैक्चर नाइन्टी थाउजेंड नहीं रेट ऑफ जीएसटी कितना है एटीन परसेंट विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी

एटी वन हंड्रेड प्लस एटी वन हंड्रेड वेरी गुड एट दीज टू जीरो जीरो टू सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड आ गया नाउ ही सेल्स इज प्रोडक्ट इन द नेबरहुड मार्केट सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना है या प्रोडक्ट सॉरी गुड्स नहीं प्रोडक्ट रुपी सेवेंटी एट थाउजेंड सर इसको लॉस नहीं हो जाएगा। फिर क्या हो गया ये क्या है What is this? उन्होंने ये तभी डाला है ना जीएसटी पेबल स्लैश जीएसटी क्रेडिट क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है हाँ सर सर। लाइबिलिटी मतलब उसने ऑलरेडी जो ज्यादा पे किया हुआ है वो गवर्नमेंट से वापस लेना है इसका मीनिंग ये हुआ क्रेडिट अंडरस्टोर्ड oh, तो yes. जीएसटी so, जो ऑलरेडी वो उसने ज्यादा पे किया होगा वो वापिस लेगा गवर्नमेंट से तो so, जीएसटी मतलब सी जी एस टी एसजीएसटी एस जी एस टी फॉर द प्रोडक्ट ये सारी का सर नाइन परसेंट ऑफ सेवेंटी एट थाउजेंड वेरी गुड मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हमें कोई चीज़ सेल सेल करने पे प्रॉफिट हो लॉस भी होता है ना बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें होती हैं यस सर सपोज उसने जो जो चीज़ मैन्युफैक्चर की थी उसमें फॉल्ट था या किसी को पसंद नहीं आई तो उसने उसको सस्ता करके बेच दिया अंडरस्टूड यस सर यस सर नो कैरी थ्री सेवन अब ये वाला सम आपको वहां पे नहीं मिलेंगे में क्रेडिट वाला सम सिर्फ एक्सटन में ही है टोटल जीएसटी ऑन प्रोडक्ट सेवन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वेरी गुड जीरो फोर जीरो मतलब मैंने कुछ सोच समझ के बोला है कि आपको तीनों बुक्स करनी है अब इसके अंदर और एस के अंदर एंड एम एल अग्रवाल के अंदर हार्डली टू टू थ्री या डिफरेंट होंगे हर एक चैप्टर में बाकी सेम ही होंगे एक चैप्टर एक बुक में से करोगे दूसरे में से आपको इजी लगेगा तीसरी बुक में से और ज्यादा इजी लगेगा <coughs> और जब पेपर आएगा सामने या स्कूल लगेगा उस टाइम तो बस जय जयकार अब उसने खुद इतना पे किया हुआ है इतना उसको रिसीव हुआ तो यहाँ पे क्या होगा जीएसटी क्रेडिट नॉट पेबल यस सर दिस माइनस दिस होगा पहले क्या होता दिस दिस माइनस होता था अब सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस फोर्टीन थाउजेंड फोर्टी होगा जीरो माइनस जीरो जीरो कितना कितना टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी हाँ। मतलब उसने एडवांस मतलब ये हो गया ओके सर अंडरस्टू जैसे रिटर्न होती है बेटा अगर हम जैसे मेरी सैलरी है मेरी सैलरी में से हर मंथ टू थाउजेंड गवर्नमेंट कार्ड लेती है मतलब इनकम टैक्स मेरी सेविंग्स भी हैं कुछ वो सारा मिला के लास्ट में अभी जैसे मैंने पे किया हुआ था तो मेरा इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड गवर्नमेंट की तरफ है जब मैं रिटर्न भरूंगा तो उसके बाद मुझे विद इंटरेस्ट वो कर देंगे जितना मेरा एडवांस में उनके पास इनकम टैक्स क्या हुआ है समझे नाउ द थर्ड रूहानिया ग्रेट सर मिसेज लता हैज अदर कोट मैन्युफेक्चर यूनिट इन स्टेट ए ए स्टेट में क्या है उसका मैन्युफेक्चरिंग यूनिट है ए का मतलब कोई भी स्टेट हो सकती है सपोज पंजाबी yeah. है शी बायरियल वर्थ रुपी एटी थाउजेंड फ्रॉम ए सप्लायर फ्रॉम स्टेट बी

फाइंड द आई table credit of टेबल क्रेडिट और मिसेज लता देखो क्या किया कितना धोखा किया उसने एट्टी थाउजेंड पे भी टेन परसेंट उसने क्या किया था डिस्काउंट और कितने में सेल किया देखो टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड नियर अबाउट थ्री टाइम्स बढ़ा के रेट उतने में सेल किया समझे? यस यस इधर रेट ऑफ़ सीजीएसटी दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव परसेंट फॉर इधर आईजीएसटी पेबल क्रेडिट ऑफ़ मिसेज़ लता वही सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ़ रॉ मटेरियल फॉर मिसेज़ लता हाँ जी कितना होगा yeah. 80000 ये तेरे सामने क्वेश्चन पड़ा है तो ध्यान से इसको देख और मुझे बता कितना होगा उसे कितने में परचेज किया था वो सर 80000 में नहीं बेटा सर 10% ऑफ 80000 निश्चय बच्चे प्लीज ना बोलो बीच में ओके okay. सर बाद में 90 अपॉन 100 into 80% करेंगे ना तो नहीं पहले ही स्टार्टिंग में ही करेंगे ओके सर तो क्यों मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखा है ना बच्चे ये yeah. तो कितना होगा कल मैंने समझाया था, था ना डिस्काउंट है कल समझाया था ना परसेंट हो डिस्काउंट होता है जब तो हम yes, सीधा कर सकते हैं टेन परसेंट डिस्काउंट है हंड्रेड में से टेन माइनस करो नाइनटी परसेंट ऑफ किसका एटी थाउजेंड अपॉन हंड्रेड इंटू मतलब उसने कितने में परचेज किया सेवेंटी टू थाउजेंड में सीजीएसटी दिया हुआ है कितना टू पॉइंट फाइव परसेंट तो अब क्वेश्चन अच्छी तरह रीड कर ले और मुझे बता दे क्या निकालें हमें सीजीएसटी दी है तो क्या निकालू मैं सर आईजीएसटी यस वी हैव टू फाइंड द आईजीएसटी फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बीस में से परचेज किया है तो आईजीएसटी होगा ना इंटरस्टेट होगा यस सर क्योंकि इंटरस्टेट है इतना होगा सर मल्टीप्लाई टू करेंगे और टू पॉइंट फाइव को तो मेरा अच्छा बच्चा वेरी गुड बिल्कुल सही किया फाइव परसेंट पता चल गया बच्चे सबको कि फाइव परसेंट क्यों आया यस सर अनुष्का अरनाव लेखना yes, यस sure? सर। yes, क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ सीजीएसटी लिख दिया जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कि हर कोई एसजीएसटी एंड सीजीएसटी निकाल दे बट यहाँ पे डिफरेंट स्टेट भी बोला है स्टेट ए टू ने कहा से परचेज किया? किया है स्टेट बी में से परचेज किया है तो आई जी एस टी फाइव बाई हंड्रेड इंटू सेवेंटी थर्टी सिक्स हंड्रेड किया नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अभी दा मेटीरियल नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट लिखेंगे टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड इतने में सेल किया आईजीएसटी इसमें भी आईजीएसटी आएगा ना क्योंकि क्या लिखा है आउटसाइड द स्टेट सेल किया उसने

तो अब वो टैक्स पे करेगी पेबल है जीएसटी पेबल है कि क्रेडिट होगा सर क्रेडिट क्यों बच्चे क्रेडिट क्यों होगा इतना उसने पे किया है इतना उसने रिसीव किया तो पे कर जीएसटी पेबल होगा यस माइनस हंड्रेड जीरो जीरो फोर टेन में से थ्री गए सेवन सेवेंटी फोर हंड्रेड ना किसी को बेटर डाउट हो इसमें सर, सर एक बार बताना कि पेबल कब होता है और क्रेडिट कब होता है देखो तूने रॉ मटेरियल परचेज किया कितने में सेवेंटी टू थाउजेंड में तो जीएसटी कितना पे किया फाइव परसेंट ऑफ सेवेंटी सिक्स हंड्रेड तूने पे कर दिया यस सर तूने कितने में सेल किया टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड में इतना तेरे पास आएगा ना ये पैसा जीएसटी का भी ये yes, तो आए आएगा ही आएगा जीएसटी का भी तेरे पास क्योंकि तूने बिल जो दिया है दिस प्लस दिस करके दिया तेरे पास आया ना तो तूने इतना ऑलरेडी पे किया हुआ था yes, उससे ज्यादा आ गया ना तेरे पास जीएसटी yes, रिसीव हुआ तो और कितना पे करना है तूने दिस माइनस दिस हाँ yes, sir. इस समय देखो यहाँ पे तूने कितना किया था सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड पर रिसीव कितना हुआ कम हुआ जो सेल करने पे रिसीव हुआ वो कम रिसीव हुआ ना इसलिए वो वहां yes, पे sir. क्रेडिट होगा जब अगर हमने जीएसटी कम पे किया और हमारा रिसीव ज्यादा हो रहा है तो जीएसटी पेबल होगा अगर राउंड पीपल वाला जो ज्यादा होगा और जो हमें मिला वो कम होगा तो सेल वाला जीएसटी कम होगा तो क्रेडिट so होगा ठीक है यस सर नाउ द नेक्स्ट सम दैट इज़ द फोर्थ वन निश्चय यस सर एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बेटा सर ये थर्ड क्वेश्चन एक और बता देंगे ना स्टार्टिंग On से, स्टार्टिंग से? हाँ. जो अभी बताए सर देखो कॉस्ट प्राइस उसने डिस्काउंट था इसलिए ये सेवेंटी टू थाउजेंड आ गया माइनस करके इतने में उसने परचेज किया क्योंकि सेम स्टेट नहीं है इंटर स्टेट है दूसरी स्टेट से परचेज किया ना तो आई जेस सी निकलेगा 2.5% सीजीएसटी दिया तो उसका डबल हो गया 5% हो गया 3600 उसने पे कर दिया जब सेल किया तो इतना रिसीव किया ये अमाउंट उससे ज्यादा है ना पे जो जितना पे किया हुआ है उससे ज्यादा है तो पेबल होगा और जीएसटी पे करना है उसने जब बच्चे अगर ये वैल्यू बिगर होती पे पहले ही ऑलरेडी ज्यादा किया होता और रिसीव उसको कम होता तो यहां क्रेडिट होता बस समझे यस निश्चय जी फोर्थ सम यस सलीम बिस्कुट मैनुफेक्चर बायस वर्थ रुपी वन लैख फोर्टी थाउजेंड फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स विद इन द स्टेट विद इन द स्टेट मतलब इंट्रस्ट यस जी यस जीएसटी कितना है फाइव परसेंट रॉ मटेरियल पे फाइव परसेंट था

Sir, हाँ G, जी जीएसटी फाइव परसेंट तो सर सीजीएसटी जी एस टी इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ वन लाख फोर्टी फाइव टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ बिल्कुल 5. सही है ट्वेंटी फाइव बाई टेन परसेंट हटाया नीचे हंड्रेड आ गया इनटू वन लाख फोर्टी थाउजेंड आ जाएगा तीन जीरोस कैंसिल हो गए जीरो री ट्वेंटी फाइव टेन थर्टी फाइव बच्चे नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑफ बिस्कुट जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है वैसे लिख देंगे यहां पे ना टोटल uh, टैक्स निकाल लो थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस बोलो बच्चे कितना है और इसमें उसने जीएसटी पे किया ट्वेल्व परसेंटरिंग नेबरवुड स्टेट में किया है तो क्या निकलेगा सर आईजीएसटी इंटरस्टेटसन यस yes, कितना सर ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट ऑफ टू लाख टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यस तो ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड इनटू टू लाख टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दो जीरो से कट कट हो गई ट्वेल्व फाइव सिक्सटी ट्वेल्व वन ट्वेल्व वन कैरी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव अब आई जी एस टी पेबल बोलिए बच्चे जितना आई जी एस टी और पे करना उसने वेरी गुड यहाँ कंफ्यूज मत होना कि वो तो सी जी एस टी और एस जी एस टी था वो भी तो है तो जीएसटी ना yes, अब इतना उसने ऑलरेडी पे कर चुका है चाहे वो स्टेट को करे चाहे सेंटर को करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक okay. है पर जीएसटी तो पे किया हुआ है ना अपनी तरफ से तो इतना उसने रिसीव किया और सेवन थाउजेंड ऑलरेडी पे किया हुआ माइनस कर दिया थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी दिस इज द आंसर समझ आ गया बच्चे yes. आयुष आयुष यस सर टाइम क्या हो गया बच्चे आयुष मैंने कुछ पूछा है बेटा ऐसे चुप रहने से काम चलेगा नो सर आज पर लेट हो गया अन्नी तू पहले भी ऐसे कई बार करता है मेरे साथ पहले भी बहुत बार लेट होता है तू सर तो अगर, मैं अगर मैं बच्चे लेट होने लग गया फिर सबका लॉस होगा ना बोलो लास्ट ईयर भी आपने ऐसे किया था ना तभी मुझे छोड़ना पड़ा था देखो तब तू अकेला नहीं था तब सारी ऐसे थी ऐसे ना किया गुरु पुछे फिफ्थ वन नाउ नैंसी बड़े वाला क्वेश्चन आ गया तेरे पे तो हाँ जी ए स्विंग मशीन मैन्युफैक्चर परचेज रॉ मटेरियल वर्थ रूपी फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड फोर हिज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट कहां से परचेज किया उसने सर दूसरी

और बी टाइप की हंड्रेड बनाई बेस प्राइस इज टेन थाउजेंड एट टू क्लाइंट्स आउटसाइड द स्टेट एंड साइड ऑर्डर फॉर टेन टाइप ए एंड ट्वेंटी टाइप बी टेन तो टाइप ए की और ट्वेंटी बी टाइप की ओनली बाई क्लाइंट एक्स टेन ईच बाई क्लाइंट वाई फाइन इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी जीएसटी पेबल क्रेडिट ये करना है बड़ा गंदा सा समय बहुत गंदा समय मुझे नेक्स्ट पेज पे आ जाने यहाँ पे मैं एक चीज करता हूँ सीपी सी पी ऑफ कितना है रुपी फाइव लैक, फोर्टी थाउजेंड फ्रॉम द आउटसाइड द रेट ऑफ आई जी एस टी तो आई जी एस टी सीधा निकाल दो ट्वेल्व परसेंट दिया हुआ है yes, क्या होगा ट्वेल्व परसेंट ऑफ फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड क्या लिखो उसने पेक किया. अब उसने किया अब क्या किया दो टाइप की मशीन प्रोड्यूस की यहाँ पे वहां पे ऐसे नहीं बनाना ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं मैं फिफ्टी ए टाइप की एंड हंड्रेड बी टाइप फिफ्टी तो ए टाइप की मशीन प्रोड्यूस की बी प्राइप इसकी सेलिंग प्राइस उसने एक मशीन की कितनी रख दी रुपी फाइव थाउजेंड रख दी यहां सेलिंग प्राइस कितनी रख दी

अब उसने सेल की दो क्लाइंट्स को आउटसाइड द स्टेट फर्स्ट क्लाइंट क्या सेल किया उसने सर मशीन स्विंग मशीन हा टेन टाइप ए एंड ट्वेंटी टाइप बी टेन ए टाइप की और ट्वेंटी बी टाइप की सेल की सेकेंड क्लाइंट टेन इच टेन ए टाइप की एंड टेन बी टाइप की ये सिर्फ ये, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टेबल सीट के फॉर्म में बना लिया क्या आपको अच्छी तरह समझ आ जाए ठीक है फर्स्ट एंड सेकेंड अब इनपुट जीएसटी इनपुट का मतलब जो उसने पे किया है दैट इज कॉल्ड इनपुट तो पहला आंसर हमारा फोर थाउजेंड एट हंड्रेड आ गया ओके okay? पे किया ना उसने रॉ मटेरियल परचेज किया था उसने खुद पे किया ना तो दिस इज इनपुट जीएसटी बोलते हैं इसको पहला आंसर हो चुका है आउटपुट जीएसटी आउटपुट मतलब जो टोटल यहां से रिसीव किया उसने तो यहां पे सबसे पहले ही सेलिंग प्राइस ऑफ या क्लाइंट ए लिख दो क्लाइंट या फर्स्ट क्लाइंट लिख दो ऑफ टेन मशीन ऑफ टाइप ए यस कितना होगा नैन्सी नैंसी, नैंसी भागी बहुत गंदी बात है भाई लिखना यहाँ पे क्या लिखा है जीएसटी लिखा है सेलिंग से प्राइस हाँ. तो टाइप फिफ्टी थाउजेंड हो जाएगा 5, की 5, एक, एक मशीन मशीन है बेटा और 10 तो 50, हो जाएगा ना सर विद इन द स्टेट है स्टेट है आईजीएसटी कितना होगा क्योंकि टाइप ए की मशीन पे कितना था 12 था। और... तो कहा आ गया था कितना आ गया बच्चे सिक्स थाउजेंड रुपीज सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी मशीन्स ऑफ टाइप बी थोड़ा सा में ये टाइप बी एक टेन थाउजेंड है तो ट्वेंटी कितने में सेल की होंगी बोलो बच्चे टू लैख एक मशीन वेरी गुड रुपी टू लैख सेलिंग प्राइस ऑफ ट्वेंटी मशीन आ गया एटीन परसेंट है ना एटीन परसेंट ऑफ टू लैख हो जाएगा टू थर्टी सिक्स साथ में थ्री जीरो इतना जीएसटी कलेक्ट किया आई ही जैसे फर्स्ट क्लांक का फाइंड किया सेकेंड क्लाइंट का भी फाइंड करेंगे सर एक डाउट था सर एक मिनट अच्छा मुझे करवा दो यस सर। सेलिंग प्राइस ऑफ टेन मशीन ऑफ टाइप ए एक फाइव थाउजेंड की सेल की थी तो टेन मशीन कितने में सेल की होंगी फिफ्टी थाउजेंड वही सेम आ जाएगा ये तो आई जी एस टी ट्वेल्व परसेंट था ना इसमें ट्वेल्व बाई हंड्रेड इंटू फिफ्टी थाउजेंड ट्वेल्व फाइव सिक्सटी साथ में टू इतने रुपीस आ गया अब सेलिंग प्राइस ऑफ टेन मशीन्स ऑफ टाइप बी एक टेन थाउजेंड की थी तो वन लैख आ जाएगा सर और आईजीएसटी पेड एटीन परसेंट ऑफ वन लाख. वेरी गुड एटीन बाई हंड्रेड इंटू वन लाख. एटीन थाउजेंड रुपीज आ गया टोटल या इनपुट आईजीएसटी. जी एस यहां पर क्या लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी ये चारों आईजीएसटी जो आए हैं सेल करने पे कौन कौन से 6, 000, 36, 000, 6, 000, 18, 000. ये ऐड प्लस कितना आया था थाउजेंड था। आया प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड कितना हो गया आई थिंक सेवेंटी सिक्स थाउजेंड आएगा तो yes, yes no? खुद कितना पे किया था उसने थाउजेंड एट हंड्रेड था ना यस सर तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है आउटपुट जीएसटी तो आउटपुट जीएसटी कितना आ गया एक मिनट मैंने गलती तो नहीं की ओहो सिक्सटी सिक्स आना था बच्चे एडिशन गलत कर दिया था सिक्स थाउजेंड आएगा ना बच्चे आप जीएसटी पेएबल क्रेडिट खुद कितना पे किया था उसने सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और सीव ऑलरेडी कितना हो चुका है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड तो जीएसटी पेएबल आउटपुट माइनस इनपुट कितना था इनपुट सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एट हंड्रेड माइनस करो आई थिंक सो रुपी ट्वेल्व हंड्रेड पीछे आंसर क्या है ट्वेल्व हंड्रेड ही है तो ये हमारा आंसर आ गया सर हाँ जी एक मिनट बच्चे अब बोलो बच्चे पहले कौन पूछ रहा था मुझसे सर मैं सर हाँ निश्चय आप बोलो बेटा सर यहाँ पर जो फर्स्ट क्लाइंट का जो सर आईडीएसटी आई निकाले है सर पर 50, प्लस लाख करके फिर जीएसटी नहीं निकाल सकते थे सर्थ? नहीं बेटा क्योंकि उस पर उस परसेंट दिया हुआ है ना दोनों पे yes, हाँ sir. ये चीज कर सकते थे टोटल क्योंकि टेन इसने परचेज की टेन इसने परचेज की इनको ऐड करके यहाँ पे सीधा ट्वेंटी मशीन का निकाल सकते थे सर yes, यहाँ पे टाइप बी का दोनों क्लाइंट्स का इकट्ठा थर्टी मशीन का निकाल सकते थे अगर ये वाला पार्ट ना नहीं करना ना इतना पार्ट तो वहां पे हम सीधा उसको में ऐड करके निकाल सकते हैं आया समझ बच्चे yes. इस टाइप से हो सकता है हाँ जी आप बोलो बच्चे और कौन पूछ रहा था कोई सर आपने इनपुट आप आउटपुट की जगह इनपुट लिख दिया सर. ओहो सारी का तू ना हो तो मेरा क्या बने यस yes, बच्चे आउटपुट आना था यहाँ ओके okay? थोड़ा लेंदी है बट एशन में मुझे ये जो सम्स हैं सलीना से बहुत बेटर लगी अभी हमने फाइव सम्स किए हैं ना दीज आर टू मतलब दिमाग को एक बार घुमा देते हैं ये दिमाग चलने चलने लग जाएगा जिनको जंग लगी हुई है जिनके दिमाग को है ना कोई बात नहीं हम सारी सम्स करेंगे टेंशन ना लो कोई बात नहीं टाइम लगता है लगने दो बट एक बार अच्छे से कर दिया ना तो फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको ये होगा कि हाँ हमें आता है हम कर सकते हैं ओके okay? समझे बच्चे यस yes. तो एक काम करो अभी सिर्फ ये फाइव सम करने और अच्छे से साफ साफ क्योंकि तो कल टेस्ट भी है सेकंड चैप्टर का टेन ओ क्लॉक मॉर्निंग में ओके okay? कल संडे है तो अभी के लिए इतना ही अनफ है क्योंकि तो अभी मिनट्स उसमें एक सम नेक्स्ट वाला नहीं हो पाएगा हमारा हाँ कोई बात नहीं बात नहीं करती दो दिन में खत्म हो जाएगा ती, तीन दिन में खत्म हो जाएगा चार दिन में हो जाएगा इससे ज्यादा तो नहीं लेगा ना ओके okay? तो चलो फिर मिलते हैं नाइन ओ'क्लॉक वाली क्लास में ओके ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर ओके थैंक यू ओके बेटा जिनकी डांडे रहेगी उनको इवनिंग uh, वाली क्लास पहुंचे